अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नेशनल एमडीकेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये पूछ रहे थे कि सर नेशनल एमडीकेट जो है उसकी तैयारी कहाँ से करनी है, कौन सी बुक को, कौन से सिलेबस को फॉलो करना है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स की वो तमाम सवाल डिस्कस करेंगे जो सिलेबस और बुक के बारे में। पीएमसी ने ये अनाउंस किया है कि तमाम सूबों के लिए एक ही एंट्री टेस्ट होगा और उस एंट्री टेस्ट का नाम है नेशनल एमडीकेट। नेशनल एमडीकेट के लिए पीएमसी ने ये कहा है कि जो तमाम सिलेबस इसमें कॉमन टॉपिक्स होंगे उन कॉमन टॉपिक से आप तैयारी करें, यानी कि आप ईटा, यूएचएस एमडीकेट, एमडीकेट से आप तमाम बोर्ड के सिलेबस को देखें, उसमें जो कॉमन टॉपिक्स हैं उन कॉमन टॉपिक से तैयारी करें। अभी तक पीएमसी ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि नेशनल एमडीकेट का ये सिलेबस होगा, ना उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी किया था। अब जो है तमाम सूबों के कॉमन टॉपिक्स जो हैं उनसे तैयारी करें। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको एक चीज मालूम है, पीएमसी ने नम्स को ये अथॉरिटी दी है कि वो नेशनल एमडीकेट कंडक्ट करे। अब नम्स ने जो अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट करा था वो तमाम जो है फेडरल बोर्ड की बुक से आया था। नम्स के ऑलमोस्ट हर साल जो टेस्ट आता है वो फेडरल बोर्ड की बुक से आता है। इस साल नम्स को ये अथॉरिटी दी गई तो नम्स ने अपना एंट्री टेस्ट खुद कंडक्ट किया। इस साथ नम्स ने ये भी कहा जो मेरिट कैलकुलेट करेंगे वो अपने ही टेस्ट की बेसिस पे करेंगे। नम्स से एफिलेटेड पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको नेशनल एमडीकेट लाजमी क्लियर करना होगा। देखिए कौन सा सिलेबस, कौन सी बुक फॉलो करना है, उसके लिए जो है आप कॉमन टॉपिक्स को देखें। कॉमन टॉपिक्स को आप एक जगह लिख करके एक सिलेबस बनाएं और सिलेबस से तैयारी करें। स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएमसी ने अपने नोटिफिकेशन में ये बात वाजे तौर पर कही थी। एमसीक्यूज आएगा वो तमाम सिलेबसेस के कॉमन टॉपिक्स से आएगा, क्योंकि एमसीक्यूज जो होगा वो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होगा। स्टूडेंट्स बेहतर ये है कि तमाम सिलेबस में जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनसे आप तैयारी करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिएगा। आपके पास यूएचएस का एमडीकेट नहीं है कि डायरेक्ट लाइंस दे दी जाए, तो फोकस करिएगा अगर कॉमन टॉपिक्स को भी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिएगा, क्योंकि नेशनल एमडीकेट जो है फर्स्ट टाइम होने जा रहा है तो स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन लेवल होगा। स्टूडेंट्स मेरी एडवाइस आप तमाम के लिए ये होगी, सबसे पहले जो है अपने प्रोविंस का सिलेबस फॉलो करें, यानी अगर आप पंजाब से हैं तो आप यूएचएस एमडीकेट का सिलेबस फॉलो करें, आप केपी के से हैं तो आप ईटा के सिलेबस फॉलो करें। पहले तो आप अपने प्रोविंस का सिलेबस फॉलो करें, उसके बाद जो है तमाम सिलेबस में जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनकी तैयारी करें। उम्मीद है कि आपकी तमाम सिलेबस या बुक से मुतलिक जितनी भी क्वेरीज होंगी वो हल हो चुकी होंगी। इसके अलावा आपके पास पीएमसी की तरफ से नेशनल एमडीकेट से मुतलिक अगर कोई ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस किया जाता है तो इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा। ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।